तो स्वागत है आप सभी का हमारे आज के नए वीडियो में। और आज के नए वीडियो में हम फिर से आपको एक नई अपडेट के साथ एक वीडियो लेकर आए हैं, जिसमें सबसे पहले यहाँ पे आपको जानकारी बताना चाहेंगे बीए बीएड बीएससी बीएड एमएड आदि के जो ऑनलाइन काउंसलिंग प्रक्रिया है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की जो प्रोसेस है, फर्स्ट राउंड की जो प्रक्रिया है वो यहाँ पे समाप्त हो चुकी है। और जिन भी छात्रों ने रजिस्ट्रेशन कर दिया है, चॉइस फिलिंग कर दिया है और उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन यहाँ पे हो चुका है, तो उनके लिए यहाँ पे वो जो है इन्फॉर्मेशन बताना चाहेंगे कि आपका जो फाइनल मेरिट लिस्ट है वो किस डेट में यहाँ पे जारी होने वाला है और इसके बाद की जो प्रोसेस है वो क्या होगी। तो यहाँ पे जो है कुछ छात्रों का जो यहाँ पे डाउट है कि हमारा वेरिफिकेशन होने के बाद अब हमें क्या करना होगा, तो वो वीडियो देखकर पूरी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे समझ सकते हैं बहुत आसान तरीके से। सबसे पहले यहाँ पे आपको बताना चाहेंगे जिन भी छात्रों ने बीए बीएड बीएससी बीएड बीएड एमएड बीपीएड एमपीएड आदि के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किया था फर्स्ट राउंड में और चॉइस फिलिंग किया था, उनका जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का उन्हें मैसेज मिल गया होगा। अगर ना मिला हो तो वो अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के ऑप्शन पर या चेक स्टेटस के ऑप्शन पर जाकर अपना जो है वेरिफिकेशन चेक कर सकते हैं और यहाँ से आप अपना वेरिफिकेशन रिसिप्ट जो ही प्रिंट निकाल सकते हैं। इसके बाद हम नीचे चलते हैं, यहाँ पे आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आपका जो फाइनल मेरिट लिस्ट है फर्स्ट राउंड का वो किस डेट में यहाँ पे जारी होगा। तो यहाँ पे हम नोटिफिकेशन ओपन करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आपको जानकारी बताना चाहेंगे आपने जो फर्स्ट राउंड के लिए रजिस्ट्रेशन किया, यानी प्रथम चरण के लिए जो रजिस्ट्रेशन किया था उसकी जो अंतिम तिथि थी 30/5/2023 तक। इसके बाद जो ऑनलाइन सत्यापन की जो डेट थी वो थी 2/6/2023 तक, यानी आज 2/6/2023 तक आपने ऑनलाइन वेरिफिकेशन करा लिया होगा। अगर वेरिफिकेशन नहीं हुआ है तो यहाँ पे आपको सेकेंड राउंड का वेट करना होगा। सेकेंड राउंड में आपका दोबारा यहाँ पे जिन भी छात्रों का वेरिफिकेशन रिजेक्ट हुआ था और वो जो अपना हेल्प सेंटर है वहां पे नहीं पहुंच पाए हैं या फिर किसी कारणवश उनका जो है वेरिफिकेशन नहीं हो पाया है, वो यहाँ पे सेकंड राउंड में अपना वेरिफिकेशन करा सकते हैं। जिनका वेरिफिकेशन हो चुका है उनका जो है यहाँ पे अब मेरिट लिस्ट बनेगा। और मेरिट लिस्ट जो है आपका कब आएगा, तो इसके लिए हम नीचे चलते हैं। सबसे पहले यहाँ पे बता दें यहाँ पे सभी के लिए एक समेकित मेरिट लिस्ट जो है यहाँ पे जारी होगी, जो कि 5/6/2023 को जारी होगी। यानी जिन भी छात्रों ने रजिस्ट्रेशन किया है, चॉइस फिलिंग किया है, ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो चुका है, उन सभी का एक मेरिट लिस्ट यहाँ पे जारी होगा 5/6/2023 को, जिसमें सभी ये पता चल जाएगा कि किन किन छात्रों का जो है यहाँ पे आवेदन सही है और वेरिफिकेशन हो चुका है और कितने कितने परसेंट यहाँ पे हैं, क्योंकि वो परसेंट के हिसाब से जो है आपका लिस्ट यहाँ पे आएगा। तो ये जो है आपका एक ऑल मेरिट लिस्ट होगा जिसमें सभी छात्रों के नाम यहाँ पे होंगे। इसके बाद जो आपका फाइनल मेरिट लिस्ट है जिसमें आपको सीट आवंटन लेटर आएगा, फीस पेमेंट की इंफॉर्मेशन दी जाएगी, वो आपका फाइनल मेरिट लिस्ट कब आएगा। तो यहाँ पे जो आपका फाइनल मेरिट लिस्ट है, जो छात्रों का फाइनल मेरिट लिस्ट है जिसमें छात्र एडमिशन ले पाएंगे, वो आपका 10/6/2023 को जारी होगा, यानी 10 जून 2023 को आपका जो है फाइनल लिस्ट आएगा। प्रथम चरण का फर्स्ट लिस्ट आपका जो है 10/6/2023 को आएगा और 10/6 से 14/6 तक आप अपना जो है फीस पेमेंट कर पाएंगे। 10/6/2023 से 14/6/2023 तक आप अपना जो है सीट अलॉटमेंट लेटर प्रिंट करेंगे और साथ में अपना एडमिशन शुल्क भुगतान कर प्रवेश ले पाएंगे। इसके साथ 14/6/2023 को आपकी जो है प्रथम चरण की जो प्रवेश प्रक्रिया है वो यहाँ पे समाप्त हो जाएगी और 16/6/2023 को आपका जो है यहाँ पे रिक्त सीटों की जानकारी दी जाएगी। तो समस्त छात्रों के लिए यहाँ पे इन्फॉर्मेशन बताने का हमारा ये मतलब था कि जो छात्र यहाँ पे परेशान हो रहे हैं या फिर आगे परेशान होंगे, उन्हें यहाँ पे बताना चाहेंगे कि आप जो है अपना जो फाइनल मेरिट लिस्ट है वो 10/6/2023 को देखें, इंतजार करें। वीडियो के माध्यम से आपको फुल इंफॉर्मेशन हमारे माध्यम से आपको दी जाएगी और 10/6/2023 को जो वीडियो अपलोड होगा उसमें आपको मेरिट लिस्ट में कैसे आपका अलॉटमेंट लेटर प्रिंट करना है, जिनका नाम नहीं आया है वो सेकेंड राउंड के लिए वेट करेंगे और जिनका नाम यहाँ पे आ जाता है वो अपना 10/6/2023 से 14/6/2023 तक शुल्क भुगतान करके जो है एडमिशन ले पाएंगे। लेकिन जिनका नाम फर्स्ट लिस्ट में नहीं आता है वो सेकेंड चरण की चॉइस फिलिंग प्रक्रिया में भाग लेंगे और अपना आगे जो है सेकेंड राउंड और थर्ड राउंड की काउंसलिंग में अपना आगे का जो चरण है वो प्राप्त करेंगे। तो यहाँ पे आशा करते हैं जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो यहाँ पे आप हमारे जो है वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और यूट्यूब पे को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आने वाली सभी जानकारी हम आप तक इसी प्रकार से पहुंचाते रहें। धन्यवाद।